हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम आनंद है और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ और जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्पाइक, जिसको हम स्मैश भी कहते हैं। अगर आपको अटैक करना सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को बनवाने में हमारी हेल्प करने वाले हैं राइट हैंड अटैकर साहिल और लेफ्ट हैंड अटैकर तुषार। तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला स्पाइक बेसिक, सेकेंड इंक्रीज योर पावर और थर्ड मेक अ किल। तो वीडियो 3 पार्ट में है। तो अगर इस वीडियो में आपको अटैक सीखना है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी पर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से हम इस वीडियो को समझाने वाले हैं। तो वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ जिससे कि आपके पास नई नोटिफिकेशन आ सके। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्पाइक बेसिक को हमने 11 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें सब स्टेप है। तो पहला स्टेप है आपका गेट द पोजीशन। तो गेट द पोजीशन में जब भी आप स्मैश करते हो तो सबसे पहले याद रखना है कि आपको नेट के ऊपर से बॉल को क्रॉस करना है। और जब भी आप स्मैश करते हो तो आपको 3 मीटर के अंदर ही स्मैश किया जाता है, वो भी 4 स्टेप में, ठीक है, विद जंप के साथ। तो सबसे पहले आता है आपका सेकेंड नंबर वाला प्लेयर, ये लेफ्ट हैंडेड होता है और ये लेफ्ट हैंड से बॉल मारता है। उसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर का प्लेयर जिसकी हाइट लंबी होती है और ये शॉर्ट बॉल मारता है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ नंबर का प्लेयर जो राइट हैंडेड होता है और ये काउंटर अटैक करता है। आपको वॉच द सेटर, मतलब आपको सेटर को हरदम देखना है क्योंकि अपने पास है 3 अटैकर। तो सेटर का काम होता है बॉल को फेंकेगा इस तरीके से जो नेट से ना ज़्यादा दूर हो ना ज़्यादा पास हो। फिर अटैकर क्या करता है, 3 स्टेप का अप्रोच लेके बॉल को मारता है। सेटर के अपने अपने कोड होते हैं, तो हर सेटर अपने अपने कोड को डिसाइड करता है। तो अगर आप काउंटर बॉल फेंकते हो तो काउंटर के लिए आपका सबसे ये कोड होता है, ठीक है। अगर आप मिडिल ब्लॉकर के लिए फेंकते हो तो आपका ये कोड होता है। अगर आप बैक काउंटर के लिए बॉल फेंकते हो तो आपका ये कोड होता है। तो आप कोड अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो, हर टीम के अपने अपने कोड होते हैं, तो आप जैसे चाहो वैसे कोड को डिसाइड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में आपको मैं स्टांस बताऊंगा। जैसे ये राइट हैंड अटैकर है तो राइट हैंड अटैकर के लिए सबसे पहले आपको नी अपने बेंड कर लेने और उसके बाद आपको रेडी रहना बॉल मारने के लिए और आपका जो राइट लेग होगा वो बैक जाएगा। तो राइट लेग बैक और देन अब हम आ जाते हैं ब्लॉकर के पास। नेक्स्ट आपका ब्लॉकर है, तो ब्लॉकर में वही सेम क्योंकि इसका राइट हैंडेड है तो इसका लेफ्ट फुट बैक जाएगा। अब आ जाते हैं हम लेफ्ट हैंड अटैकर। तो लेफ्ट हैंड अटैकर में आपका जो राइट फुट है वो बैक जाएगा, ठीक है। तो बस कॉम्बिनेशन यही है कि राइट हैंड वाले का लेफ्ट बैक जाएगा और लेफ्ट वाले का राइट बैक जाएगा। जो आपका राइट अटैकर होगा फर्स्ट स्टेप उसका लेफ्ट निकलेगा और उसके बाद आपका जो लेफ्ट अटैकर है इसका राइट लेग आगे आएगा। तो ये आपका होगा फर्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका राइट लेग निकलेगा राइट हैंड का और ये सेकंड स्टेप होगा, ये बड़ा भी होगा और साथ के साथ आर्म स्विंग भी होगी। उसके बाद अगर आप मैं मिडिल ब्लॉकर की बात करूँ तो इसमें भी राइट निकलेगा और इसमें भी साथ के साथ आपको आर्म स्विंग भी करना है। देन आपका लेफ्ट, तो लेफ्ट में आपका होगा उसका लेफ्ट लेग निकलेगा पावरफुल स्टेप और इसमें आर्म स्विंग इसका बैक जाएगा। अब आपका आता है फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप में आपको आपके पैर से स्क्वायर बनेगा और दोनों आर्म आगे रहेंगे जिससे कि आप रेडी हो बॉल मारने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा ब्लॉकर का फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप में सेम वही, इसके में भी स्क्वायर बनेगा और बॉल को हिट करेगा रेडी पोजीशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका अब फाइनल थर्ड स्टेप लेफ्ट हैंड के लिए। तो इसमें आपका स्टेप आगे निकलेगा और सेम आपको बॉल को मारना, हिट करना है और बॉल के स्टेप में आपको अब जंप लेना है। तो जंप में आपको स्टेप वाइज देखो 1 2 3 जंप विद आर्म स्विंग, देन आपका ब्लॉकर। तो ब्लॉकर में वही 1 2 3 जंप, ठीक है। अब आपका लेफ्ट अटैक, लेफ्ट अटैक में भी आपका 3 स्टेप, ये अब सही है। अब 9th स्टेप में आपको अपनी बॉल जो रहेगी उसको हिट करना, क्योंकि आपने इस समय जंप लिया है और उसके बाद आपको बॉल हिट करना है। हिट कैसे करना है, हिट आपको बॉल अपने हाथों को खोलना है और बॉल का जो सेंटर होता है और अपने हथेली होती है वो बॉल को हिट करनी है। साथ के साथ अपनी जो रिस्ट होती है उसको बेंड करना है कि बॉल नीचे की तरफ जाए और बॉल को रोल करना, ठीक है। इससे आप बॉल को पार कर सकते हो, बॉल नीचे ही जाएगी क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं बॉल सर बाहर जाती है और आपके ऊपर यहाँ हाथ मारना और रिस्ट बेंड करके, ठीक है। तो बॉल और रोल भी कर सकते हो, तो इस तरीके से बॉल अंदर जाएगी। अब मैं एक एक करके आपको तीनों अटैक का दिखाता हूँ कि कैसे बॉल को मारना है।
को जंप लेना, फिर अपनी सेम उसी पोजीशन में आना। तो साहिल करके दिखाता है आपको, देखो जाना और सेम उसी पोजीशन पर वापस आना है। और उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप नीचे आओ तो आपको अपने एंकल बचा के रखने हैं, कभी आपका ये एंकल मुड़ ना जाए, आपको इंजरी भी हो सकती है, तो इससे बचना है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने तीनों जो अटैकर होते हैं उनके फुटवर्क को लेकर बात किया, साथ साथ स्पाइक के लिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले काउंटर अटैकर, मिडिल ब्लॉकर और बैक काउंटर, तो तीनों का फुटवर्क भी है और स्मैश कैसे मारते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ जिससे कि आपके पास नई नोटिफिकेशन आ सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।